गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स अभी ना सुबह के लगभग 9:30 बजने वाले हैं और अभी मैं पहुंच चुका हूं जयपुर रेलवे स्टेशन पर। अभी बहुत सारी भीड़ होती है, ट्रेन से उतरा हूं मैं अभी, ये जो हमारी सर्कल कराई हुई ट्रेन है। तो अभी मैं चल रहा हूं ऑटो की तरफ, देखेंगे ऑटो वगैरह कहाँ पर मिलेंगे मेरे को, मेरे स्टेशन मतलब जो मेरे उसके क्या नाम सेंटर तक लेके जाएंगे। तो अभी मैं ढूंढ लेता हूँ कि भाई साइड ऑटो वगैरह, चलो ढूंढते हैं, ऑटो उसको ढूंढ लेता हूँ मैं। फ्रेंड्स अभी ना मैं आपको स्टेशन के अंदर ज़रा दिखा देता हूँ, देखो कितना साफ़ सुथरा, कितना अच्छा यहाँ पर, कितना बड़ा फैन चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेटिंग रूम आते हैं, तो यहाँ पे स्टेशन के अंदर। तो अभी मैं देखता हूँ, अगर मेट्रो आते चलती हूँ तो मेट्रो से जाऊँगा, नहीं तो बस से जाऊँगा फिर, अगर बस मिलेगी तो। जयपुर रेलवे स्टेशन ना बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़ा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे एग्जिट। मैं अभी आ चुका हूँ स्टेशन से बाहर, जैसे आप देख पा रहे हैं बाहर का कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, रेलवे स्टेशन का, जयपुर जंक्शन का, बहुत बढ़िया, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा। तो अभी कहाँ मिलेंगे मेरे को, खड़ी तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे, हाँ तो और बस तो देखूँगा मेरे को मिल जाएंगे तो कहीं कम किराए बाद ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा किराया ले लेंगे ये। जैसे अभी आप मेरे पीछे देख पा रही हैं, देखो ये जयपुर, जयपुर जंक्शन। फ्रेंड्स आप देख रहे, देखो यहाँ पे मेरे पीछे हमारे जो देश का जो तिरंगा है वो लहरा रहा है, कितने शान से, कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स जैसे अभी आप सामने देख पा रहे हैं ना, वो ये मेट्रो का है पुल, यहाँ से मेट्रो चलती है, मतलब बिल्कुल स्टेशन के पास से गुजर रही है। तो अगर आप भी कभी आएँ तो अगर मेट्रो का आनंद लेना हो तो जयपुर में यहाँ से आप मेट्रो ले सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये एक रेलवे का इंजन बना रखा है इन्होंने यहाँ पे, और इसको यहाँ पे असेंबलर वाइज लोगों को देखने के लिए खड़ा किया रखा है। तो कितना अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पार्क में खड़ा हुआ रेलवे का इंजन। फ्रेंड्स अभी मैंने बस पकड़ ली है जहाँ पे मेरा है सेंटर, तो अभी मैं जा रहा हूँ सेंटर पास में, पहुँचते सेंटर तक। फ्रेंड्स उस बस वाले तो अभी यहाँ पर उतार दिया मेरे को दूसरी बस और लेनी पड़ेगी आगे तक जाने के लिए। तो अभी मैं दूसरी बस का वेट कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ बस वालों से वहाँ तक जाएंगे, तो उन बस वाले ने यहाँ पर उतार दिया। फ्रेंड्स अभी मैं पहुँच चुका हूँ सेंटर के बाहर, जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं परीक्षा डेस्क मेरा सेंटर है जहाँ पेपर होने वाला है आज। तो लगभग मेरे को ना यहाँ पे पहुँचने में 1.5-2 घंटे लग गए, बहुत दूर था रेलवे स्टेशन से। तो अभी सेकंड शिफ्ट वाला पेपर दे रहे हैं हमारा, फिर थर्ड शिफ्ट वाला, उसके बाद नंबर लगेगा। तो अभी पेपर देंगे उसके बाद फिर मिलेंगे पेपर देने के बाद। फ्रेंड्स ये अभी ना सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे निकल रहे हैं एकर पेपर, पूछेंगे एक दूसरे कैसा एग्ज़ाम हुआ भाई। हाँ भाई कैसा रहा पेपर, बढ़िया। हाँ भाई कैसा हुआ पेपर, बहुत खराब हुए हो। अरे किसी का तो बढ़िया होगा पेपर, कैसा रहा पेपर? पेपर भाई बहुत बड़े, मैनेजमेंट बहुत बेकार है। मैनेजमेंट बेकार है, अच्छा। और किसी का कोई सुझाव? हाँ भाई कैसा रहा पेपर सभी का, कैसा रहा पेपर? बढ़िया हो जाएगा सिलेक्शन है। चलो फ्रेंड्स अभी ना थर्ड शिफ्ट की एंट्री जो ना शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, बस बिल्कुल 1-2 मिनट में। तो मैं भी अभी फटाफट बैग सबमिट करवा देता हूँ, मेरा वहाँ पे सब बैग सबमिट करवा रहे हैं अपने अपने, मैं भी मेरा बैग सबमिट करवा देता हूँ जल्दी से, बारिश भी आने को हो रही है, हो सकता है बारिश आ जाए। तो चलो मिलेंगे एग्ज़ाम देने के बाद। फ्रेंड्स अभी ना एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म, और अभी हम निकल चुके हैं सेंटर से बाहर। तो अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे जहाँ पे ऑटो वगैरह मिलेंगे, फिर जाऊँगा रेलवे स्टेशन तक। तो मैं बता दूँगा आपको पेपर मेरा कैसा रहा, मैंने ना 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 80, तो लगभग जो आते थे सारे कर दिए, साइंस के भी, जीके के भी, रीजनिंग भी काफ़ी ठीक ठाक थी, काफ़ी अच्छी आई थी रीजनिंग के, काफ़ी क्वेश्चन मेरे सोल्व हो गए। मैथ के भी कुछ एक किए मैंने, लेकिन ज़्यादा मैंने मैथ के ही छोड़े हैं क्योंकि मैथ के ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के मैंने 80 क्वेश्चन किए हैं, अभी देखते हैं भाई नेगेटिव मार्किंग अभी तो जाएंगे ना नंबर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो कितने मार्क्स बनेंगे देखते हैं। फिर भी बहुत अच्छा रहा आज का पेपर देने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा मेरे को। तो अभी मैं वीडियो को, सारी आज की वीडियो को पूरा जोड़ के अभी करूँगा अपलोड, और फिर उसके बाद आगे का सफर फिर करेंगे जारी आगे स्टेज पर पहुँचने के बाद। तो चलो मिलते हैं फिर बाद में।